हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने जसपाल सिंह जज्जी ने शुक्रवार को अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अपनी गर्दन में हो रहे दर्द का इलाज कराने पहुंचे विधायक जसपाल सिंह जज्जी को देखकर मरीजों ने उनसे अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बात की तो उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का ही निरीक्षण कर डाला। विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान गंदी बेडशीट पर अस्पताल प्रबंधन को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही बनकर तैयार हो चुकी आधुनिक लैब एवं कोविड वार्ड को जल्द चालू करने के निर्देश दिए हैं। विधायक जज्जी ने अस्पताल परिसर में 3 छोटे गार्डन विधायक निधि से विकसित करने का आश्वासन भी अस्पताल प्रबंधन को दिया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों के हालचाल जाने एवं मरीजों और अटेंडरों की समस्या सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर प्रशांत दुबे को इन समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। वो आधुनिक जो लैब तैयार हो गई वो भी काफ़ी दिनों से आधुनिक लैब हमारे हॉस्पिटल में जो बहुत आधुनिक है तो उसको जल्दी उसको चालू कर रहे हैं हम। और एक ये जो वार्ड बना है इसका भी शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसको ये एक क्षेत्र के लोगों को सारी सुविधाएँ हमारे हॉस्पिटल में मिल सकती है, ये प्रयास है। और दूसरा जो लैब हमारे यहाँ आधुनिक है उसमें हर तरह के टेस्ट की सुविधा हॉस्पिटल में हो रही है। तो जो प्राइवेट लैब्स में जिस तरह की कई शिकायतें कई बार आती हैं कि तो कई बार टेस्ट ठीक नहीं हुआ या उनकी जो कई गरीब पेशेंट हैं उनको उनके जो चार्जेज भी बहुत ज़्यादा हैं तो वो सारी सुविधा उसके लिए हम जल्दी रोगी कल्याण समिति की बैठक बुला के जिलाधिकारी से बात करके तो जो बाहर प्राइवेट डॉक्टर भी यदि कोई जाँच के लिए लिख रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पे प्रोविजन करेंगे। वो जो है मैक्सिमम रेट्स पे उनको यहाँ पे जो है टेस्ट की सुविधा दी जा सके। तो अभी जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हैं उनके टेस्ट तो फ्री में हो रहे हैं हॉस्पिटल में और सारे तरह के टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो ये हमारे शहर के लोगों के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सुविधा है, जल्दी मिलने जा रहा है। इसी तरह ये वार्ड जो कोविड पेशेंट के लिए है कि जो अगर सीरियस कोई पेशेंट है तो वो यहाँ ICU में भर्ती होगा तो सारी सुविधाएँ यहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह की रहेंगी। कोई डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन या अन्य काम में उपयोग आने वाले यंत्रों की मांग की जाती है परंतु जिला अस्पताल में आज तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं, जो ऑपरेशन यहाँ पे जो डॉक्टर्स अभी उपलब्ध हैं हमारे यहाँ और जो ऑपरेशन वो कर पा रहे हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। सामग्री उपलब्ध नहीं, आगे जो भी वो जरूरत बताएं तो वही बात है। तो हम शासन के स्तर प्रयास करके सारी सुविधाएँ, मेरा प्रयास है कि हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएँ हों जो जिला हॉस्पिटल में होती हैं और जहाँ भी जो हमें कमी दिख रही है उसमें सुधार। बहरहाल देखना होगा कि विधायक की फटकार का जिला अस्पताल प्रबंधन पर कितना असर होता है। हालांकि अस्पताल में अपने बेहतर इलाज के बजाय जिले भर में अव्यवस्थाओं के लिए ज्यादा जाना जाता है।